दोस्तों आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इंटेक्स का 5.1 मल्टीमीडिया स्पीकर, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इसके फीचर्स के बारे में, इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, और यहाँ पे हम जानेंगे इसके क्या कुछ है इसके बॉक्स कंटेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ फिजिकल और व्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है IT क्रेज SUFB कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर 5.1 चैनल USB प्लेबिलिटी, यानी आप यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगा के म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। SD प्लेबिलिटी, SD कार्ड्स वगैरह लगा के अपना म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। FM रेडियो दिया गया है, ब्लूटूथ इनेबल्ड दिया गया है, एक रिमोट दिया गया है, यहाँ पे कुछ XV करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख दिया गया है इंटेक्स की ब्रांडिंग। बाकी यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर क्वालिटी एंड इनहेंस साउंड। चलिए देखते हैं इसके अदर साइड में क्या कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों इसके अदर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंटेक्स की ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ आपको देख सकते हैं XV लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम प्रीमियम रेंज, यहाँ पे कुछ आपको वॉल्यूम दी गई है, यहाँ पे 0 से लेके 100 तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसे पैकेजिंग कंटेंट्स क्या क्या होने वाले। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ मेन यूनिट 1, सैटेलाइट स्पीकर आपको 5 दिए जाएंगे, यूज़र मैनुअल आपको 1 यूनिट दिया जाएगा, रिमोट 1 यूनिट दिया गया है, ऑडियो केबल 3 यूनिट दिए गए हैं, और FM वायर आपको यहाँ पे 1 दिया गया है। अब यहाँ पे हम चलिए दिखाते हैं इसकी प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है, जो कि है 4500। दोस्तों अगर आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदोगे तो इसकी अभी प्राइसिंग लगभग 3000 से 4000 के बीच पड़ने वाली है। चलिए कर लेते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं क्या है इसमें कुछ बॉक्स कंटेंट। कर लेते हैं इस बॉक्स ओपन और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है इसके बॉक्स कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है एक रिमोट, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है इंटेक्स की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ, इसको रखते हैं हम साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक वायर दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसको चाहो तो अपने TV के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको दिया गया है एक यूज़र मैनुअल, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, रखते हैं इसको साइड में। और यहाँ आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 5 छोटे सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पे कुछ पहले हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। जहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें आपको एक वायर भी दी गई है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे इसके मेन यूनिट से कनेक्ट कर सकते हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का नॉर्मल केबल दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने उसमें मेन यूनिट से कनेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस पे काफ़ी लंबा वायर है, तो यानी आपका मेन यूनिट के आप चाहो तो इसको चारों दिशाओं में अपना इस सैटेलाइट स्पीकर को रख के मेन यूनिट से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लंबी वायर इसमें आपको दी गई है। इसलिए रखते हैं हम इसको साइड में, और यहाँ पर हम निकालते हैं इसके मेन यूनिट को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन यूनिट, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक साउंड बॉक्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सामने का कुछ फेस इसका इस तरीके से है। यहाँ पे चलिए हम आपको हटा के दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको मेन सामने फेस पे कुछ बटन दिए गए हैं, जहाँ पे सोर्स वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस का, ST बाय स्टैंड बाय का, यहाँ पे आपको एक रिमोट दिया गया है इंटेक्स की। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक USB लगा सकते हो, पेन ड्राइव लगा के आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि SD कार्ड लगा के आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं इसके पीछे क्या कुछ दिया गया है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ FM एंटीना। दोस्तों यहाँ पे आपको एक एंटीना दिया होगा, चलिए हम आपको पहले यहाँ दिखा देते हैं वो इस एंटीना को जो हमें मिला है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैकेट में यहाँ पे एक एंटीना भी दिया गया है हमें, जिसकी मदद से यहाँ पे आप एंटीना लगा के आप अपना रेडियो भी एक प्ले कर सकते हो। इसे आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ से आपको इसको यहाँ से लगाना है जिस तरीके से, और आपका एंटीना काम करने लगेगा, एज एंटीना ये वायर काम करने लगेगी, और इसकी मदद से आप अपना रेडियो प्ले कर सकते हो। चलिए अब इसको रखते हैं साइड में, अब हम देखते हैं और भी यहाँ पे क्या क्या आपको कुछ दिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑक्स केबल, यहाँ पे आपको ऑक्स केबल लगाने का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पे इनपुट दिया गया है, डीवीडी वगैरह लगा सकते हो, अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आउटपुट दिया गया, जो छोटे सैटेलाइट स्पीकर आपको देखने को यहाँ पे 5 दिए गए, यहाँ पे आपको इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मॉडल नंबर IT/5.1XV क्रेजर सब एफ कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर मेड इन PRC। यहाँ पे आप कुछ वार्निंग दी गई है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, डू नॉट ओपन, कुछ इस तरीके के। फिर यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है जहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए हम इसको सेटअप करके आपको इसमें म्यूज़िक प्ले करके दिखाते हैं कि इसमें कैसी म्यूज़िक क्वालिटी आती है, क्या इसका साउंड क्वालिटी है, हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो ये हमारा फाइनली सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए करते हैं हम इसको ऑन यहाँ इस रिमोट से, इसकी रिमोट की मदद से हम इसको करेंगे ऑन। तो ये देख सकते हैं मेरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ लिख के आ रहा है BL, यानी कि अब यहाँ इसकी मदद इस ऑप्शन से आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सोर्स को प्रेस करोगे तो आपको नेक्स्ट सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे आप यहाँ इसकी मदद से ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे फिर से एक बार सोर्स बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से SD कार्ड लगा सकते हो। फिर एक बार अगर आप प्रेस करोगे तो इसकी मदद से आप यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। फिर अगर आप प्रेस करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा FM चालू हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे चलते हैं ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे और कनेक्ट करते हैं मोबाइल को अपने, और फिर यहाँ से प्ले करते हैं, आपको एक म्यूज़िक प्ले करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर यहाँ ब्लूटूथ में अवेलेबल डिवाइस में शो कर रहा है, जिसमें आ रहा है ये BT स्पीकर्स के नाम से। चलिए हम इसको करते हैं कनेक्ट यहाँ से। अभी देख सकते हैं हमारा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको बीप का साउंड सुनाई दिया होगा। तो चलिए अब करते हैं हम यहाँ से प्ले म्यूज़िक। तो हम यहाँ से नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करेंगे ताकि हमारे चैनल पे कोई इससे इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे प्ले इस म्यूज़िक को। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे चलिए हम इसको साउंड क्वालिटी को आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, आप खुद चेक करके बताइए कि आपको इसकी कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। हम आपको माइक उसके पास एकदम लेके जाते हैं। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी दोस्तों। आपने यहाँ पे माइक के थ्रू सुनी तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में, पर मैंने इसकी आवाज़ एकदम लाइव सुनी है। ये इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत कमाल का, इसका बास बहुत कमाल का है यहाँ पे। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।